फ्रेंड्स वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सीएस वर्ल्ड। फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरे कुछ ऐसे मेकअप प्रोडक्ट्स जिन्हें मैंने ट्राई किया था और वो मुझे कुछ खास पसंद नहीं आए। इससे पहले मैंने फ्रेंड्स आपके साथ शेयर की थी एक वीडियो जिसमें मैंने सारे ही मेकअप प्रोडक्ट्स शेयर किए थे जो कि 2022 में मैंने ट्राई किए थे और मुझे पसंद आए थे। और आज की वीडियो है पार्ट टू, इसमें मैं आपको वो प्रोडक्ट्स दिखाऊंगी जो मुझे पसंद नहीं आए, साथ ही मैं कुछ स्किन के प्रोडक्ट्स आपके साथ शेयर करूंगी जो कि मुझे काफ़ी पसंद आए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देरी ना करते हुए शुरू कर देते हैं हमारी आज की वीडियो, बिकॉज पिछली बार की वीडियो ना काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो गई थी, तो देखते हैं इस बार की वीडियो कितनी लेंथी होती है। साथ ही फ्रेंड्स आपको कहना चाहूंगी अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन बटन जिससे मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप मुझे इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए देरी ना करते हुए फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स मेरे पास है ये फेसेस कैंडा का हाइलाइटर जो कि इनका न्यू लॉन्च आया था। ये मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया बिकॉज इसकी पिगमेंटेशन भी कुछ खास नहीं है और ये थोड़ा सा पाउडरी भी है। सो ये है वो हाइलाइटर और यहाँ पे मैं आपको ना इसका स्वाच करके दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं ये कितना पाउडरी है। सी फ्रेंड्स इसका जो हाइलाइटर इफेक्ट है वो भी कुछ खास नहीं लगा मुझे। इसकी MRP थी 399 रुपीज़। सो 400 का एक हाइलाइटर जो कि कुछ इस तरह से है, तो इसकी पिगमेंटेशन, इसका हाइलाइटर इफेक्ट मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। सो ये प्रोडक्ट मुझे वेस्ट ऑफ मनी लगा। नेक्स्ट प्रोडक्ट फ्रेंड्स फेसेस कैंडा का ही है जो कि इनका ब्लशर, ये भी इनका न्यू लॉन्च ही था। इसे मैंने ट्राई किया था और मैंने जो शेड बाय किया था वो था गोजी बेरी बेरी ब्लश और ये है 349 रुपीज़ का। और इसका शेड मैं आपको दिखा देती हूँ, ये कुछ इस तरह का शेड है। इसकी भी पिगमेंटेशन मुझे कुछ पसंद नहीं आई। आप देख सकते हैं मैं इसे इस तरह से यहाँ पे प्रेस कर रही हूँ और ये बिल्कुल भी पिगमेंटेड नहीं लगा मुझे। सी फ्रेंड्स यहाँ पे आपको बिल्कुल भी शेड पता भी नहीं चल रहा होगा। सो, मुझे ये ब्लशर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अभी इस वक्त मैंने जो ब्लशर अप्लाई किया हुआ है वो है डेली लाइफ फॉरएवर 52 का। इसकी पिगमेंटेशन काफ़ी अच्छी है, लेकिन ये जो फेसेस कैंडा का न्यू ब्लशर आया था और ये जो न्यू हाईलाइटर आया था, ये दोनों प्रोडक्ट मुझे वेस्ट ऑफ मनी लगे। नेक्स्ट फ्रेंड्स प्रोडक्ट है जस्ट हर्ब्स का ये लिप एंड चीक टिंट। एक्चुअली फ्रेंड्स ये वैसे तो ओके प्रोडक्ट है, लेकिन मुझे ये कहीं ना कहीं मैट लगता है। स्किन पे अप्लाई करने पे इसे हल्का सा रब करना पड़ता है और काफ़ी इजीली तो ये बिल्कुल भी मैं कहूँगी अप्लाई नहीं होता, इजीली ब्लेंड नहीं होता। जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया था रिकॉर्ड का लिप एंड चीक टिंट, वो काफ़ी अच्छा लगा मुझे, उसकी पिगमेंटेशन भी अच्छी थी और काफ़ी इजीली वो ब्लेंड हो रहा था। लेकिन ये जो है ना ये कहीं ना कहीं मैट है। वैसे भी इसके ऊपर मेंशन है ये क्रीमी मैट है, तो मैट प्रोडक्ट जो है मुझे कुछ खास पसंद नहीं आते। सो ये प्रोडक्ट भी मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया। तो अगला जो प्रोडक्ट है वो है जस्ट हर्ब्स का ही। जस्ट हर्ब्स की ये जो लिक्विड लिपस्टिक्स हैं जिसमें आपको 5 शेड्स मिल जाते हैं फ्रेंड्स, ये वैसे तो मैं कहूँगी अफोर्डेबल पड़ती हैं। जैसे कि इसमें 5 अलग अलग शेड दिए गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो लिपस्टिक्स हैं ये आपके लिप्स पे जाके स्टिकी हो जाती हैं और प्रॉपरली मैट नहीं होती। सो मुझे ये जो लिपस्टिक है इसलिए पसंद नहीं आई। वैसे अगर फ्रेंड्स आप मिनीज में बाय करना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप लिक्विड लिपस्टिक कोई बाय करना चाहते हैं तो लैक्मे की जो लिक्विड लिपस्टिक है काफ़ी अच्छी है। और ये जो लिपस्टिक्स हैं ये आपको देखने में लग रहा होगा कि आपको 5 लिपस्टिक्स मिल रही हैं 545 समथिंग की, और उस पर आपको डिस्काउंट भी मिल जाता है समटाइम्स, लेकिन ये वेस्ट ऑफ मनी है। इन पर मुझे शेड्स तो प्यारे लगे, इनके शेड्स काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन लिप्स पे अप्लाई करने के बाद ये स्टिकी हो जाती हैं। सो मुझे ये जो प्रोडक्ट है वो पसंद नहीं आया। नेक्स्ट फ्रेंड्स बात कर लेते हैं स्विस ब्यूटी के कुछ प्रोडक्ट्स की, जो कि है स्विस ब्यूटी का ये मेकअप रिमूवर पैड। फ्रेंड्स इसे मैंने यूज़ करके देखा और ये भी मुझे कुछ खास नहीं लगा। बिकॉज इसके ऊपर मेंशन था कि इसके ऊपर आपको कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, आपको बस इसे पानी में डिप करना है जिससे कि आपका मेकअप जो है रिमूव हो जाएगा। लेकिन मैंने इसे यूज़ किया है, इसकी रिव्यू वीडियो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अच्छा मुझे एक ना कमेंट आया था कि आपको इसके ऊपर मेकअप रिमूवर लगाना चाहिए उसके बाद इसे यूज़ करना चाहिए, तो मेरा आगे से यही क्वेश्चन था कि अगर आपको मेकअप रिमूवर लगाकर ही इसे यूज़ करना है तो फिर आप इसकी जगह पे कॉटन पैड भी यूज़ कर सकते हैं, कॉटन भी यूज़ कर सकते हैं, तो फिर आपको इसकी क्या ज़रूरत है। सो फ्रेंड्स इसके ऊपर जब आप मेकअप रिमूवर लगाएंगे भी तो ये जो फैब्रिक है ये आपका मेकअप रिमूवर जो है काफ़ी अच्छे से सोख लेगा, जिससे कि आपका जो प्रोडक्ट है वो भी वेस्ट होगा। सो इसलिए फ्रेंड्स मुझे ये जो प्रोडक्ट है वो पसंद नहीं आया।
नेक्स्ट फ्रेंड्स, स्विस ब्यूटी का ही एक और प्रोडक्ट है जो कि इसका ये कंसीलर। वैसे तो इस कंसीलर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसकी कवरेज अच्छी है, इसकी प्राइस पॉइंट भी अच्छा है, ये अफोर्डेबल है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसका ये जो मैकेनिज्म है, जो इसका पीछे से हम जब इसे इस तरह से रोटेट करते हैं तो इसका जो प्रोडक्ट जब बाहर आता है तो प्रोडक्ट वेस्टेज इसमें काफ़ी होती है, जिसकी वजह से ये मुझे पसंद नहीं आया। अदरवाइज फ्रेंड्स, ये जो प्रोडक्ट है अच्छा है, कंसीलर अच्छा है, इसके और भी कंसीलर आते हैं, मैंने आपके साथ वीडियोज़ भी शेयर की हुई हैं, लेकिन इस प्रोडक्ट में जब प्रोडक्ट वेस्टेज होती है ना तो वो मुझे अच्छी नहीं लगती। सो इसलिए ये जो स्विस ब्यूटी का कंसीलर है वो मुझे पसंद नहीं आया। नेक्स्ट फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं कुछ आईलाइनर्स के बारे में जो कि है स्केच आईलाइनर्स, यानी कि पेन आईलाइनर्स। सबसे पहले है ये मेबलिन का मेबलिन न्यूयॉर्क द कोलोसल लाइनर। फ्रेंड्स, इसे मैंने स्पेशली बाय किया था बिकॉज मैं इसे ट्राई करना चाहती थी, लेकिन मैं आपको बता दूं इसकी ये जो टिप है ना, इसकी टिप की वजह से ये मुझे वेस्ट ऑफ मनी लगता है। जब आप इसे आईज पे अप्लाई करते हैं इसकी टिप बिल्कुल ही बैंड हो जाती है। सी फ्रेंड्स, ये जो टिप है ये ऐसे बैंड हो जाती है जिसकी वजह से आप इसे इजीली अप्लाई नहीं कर पाते। सो इसलिए मुझे ये जो आईलाइनर है मेबलिन का बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। पिगमेंटेशन इसकी काफ़ी अच्छी है, नो डाउट, लेकिन जब इसकी टिप बैंड हो जाती है तो आईज पे अप्लाई करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, मैंने ये मैरी क्लियर का गलती से मंगवा लिया था। मैंने मिस क्लियर का मंगवाना था, मैंने मैरी क्लियर का मंगवा लिया, लेकिन ये भी मुझे पिगमेंटेशन वाइज बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और ये भी एवें ही लगा मुझे प्रोडक्ट। मीन्स कि वेस्ट ऑफ मनी है, इसका भी कोई यूज़ नहीं लगा मुझे आईज़ पे। हैंड पे स्वास्थ्य तो काफ़ी अच्छा आ जाता है कई लाइनर्स का, लेकिन जब आप इसे आईज़ पे अप्लाई करते हैं तो आईज़ पे तो पिगमेंटेशन आती ही नहीं है। सो फ्रेंड्स, इसलिए मुझे ये जो मैरी क्लियर का लाइनर है ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। नेक्स्ट फ्रेंड्स, मेरे पास था एक इनसाइट कॉस्मेटिक का लाइनर, ये भी पिगमेंटेशन वाइज मुझे पसंद नहीं आया। इसकी पिगमेंटेशन भी कुछ खास नहीं लगी और ये भी कुछ आप देख सकते हैं हैंड पे स्वाच बड़ा अच्छा आ रहा है, लेकिन जब आप ऐसे आईज पे अप्लाई करते हैं तो भाई साहब जवाब दे जाते हैं। सो इसलिए मुझे इनसाइट कॉस्मेटिक का ये आईलाइनर भी बिल्कुल पसंद नहीं आया। कहीं कहीं लाइनर्स की ना जो टिप होती है वो काफ़ी कमाल की होती है, जैसे कि लॉरियल पेरिस का जो आईलाइनर है स्केच आईलाइनर, वो काफ़ी अच्छा है। वो कॉस्टली हो गया है, आई थिंक 1000 के अराउंड पहुंच गया है, लेकिन उसकी पिगमेंटेशन अच्छी है, काफ़ी लंबे टाइम तक चल जाता है और काफ़ी इजीली आईज पे ड्रॉ भी हो जाता है। इसी तरह से एक आईलाइनर और है जो कि है प्लम का ये आई स्वेयर बाय मैट आईलाइनर। अच्छा, इसकी टिप तो सबसे डिफरेंट है, इसकी टिप बिल्कुल बैंडी नहीं होती, स्टिफ टिप है इसकी। सो इसलिए ये मुझे पसंद नहीं आया। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसकी टिप ना बड़ी स्टिफ है बिल्कुल भी। सी, ये ऐसे ही टिप इसकी रहती है। पिगमेंटेशन बहुत अच्छी है, ब्लैक है, जेट ब्लैक है, लेकिन आईज पे अप्लाई करते वक्त ये आईज पे डिफिकल्टी लेके आता है, इजीली अप्लाई नहीं कर पाते आप, ना ही मैं अप्लाई कर पाती हूँ। सो ये मुझे पसंद नहीं आया। नेक्स्ट फ्रेंड्स, मैंने बाय किया था एक कंसीलर जो कि है वेट एंड वाइल्ड का। एक्चुअली ये जो कंसीलर था ये मैं ट्राई करना चाहती थी क्योंकि मैंने इसके बारे में काफ़ी सुना था कि ये काफ़ी अच्छा कंसीलर है। सो मैंने इस कंसीलर को बाय किया था और मैंने, आप मानोगे, इसे सिर्फ वन टाइम यूज़ किया है, मैंने इसके बाद इसे हाथ भी नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? बिकॉज फ्रेंड्स, ये जो कंसीलर है ना ये काफ़ी ड्राई है। मैंने काफ़ी सारे कंसीलर्स ट्राई किए हुए हैं, स्विस ब्यूटी का कंसीलर ट्राई किया हुआ है और लॉरियल पेरिस के किए हुए हैं, मेबलिन का किया हुआ है, इनसाइड कॉस्मेटिक का भी किया है, लेकिन ये जो मेबलिन के अलावा ये जो वेट एंड वाइल्ड का जो कंसीलर है ये मुझे काफ़ी ड्राई लगता है बाकियों के कंपैरेटिव। और यहाँ पे मैं जब इसे अंडर आइज पे अप्लाई करती हूँ ना तो ये कहीं ना कहीं मेरी अंडर आइज पे जाके बैठ जाता है, स्किन में बैठ जाता है। सो मुझे ये जो कंसीलर है इसलिए पसंद नहीं आया। अगर आपकी जो स्किन है वो ड्राई है तो फ्रेंड्स ये कंसीलर कहीं ना कहीं आपके लिए वर्क कर जाएगा, लेकिन मुझे ये जो कंसीलर है ड्राइनेस की तरफ मुझे कुछ ज़्यादा लगता है। कहीं ना कहीं एक लिक्विड जो कंसीलर होता है ना वैसी लिक्विडिटी इसमें नहीं है। जैसे कि वेट एंड वाइल्ड के अलावा बाकी कंसीलरों की बात करूँ, जैसे कि मेबलिन का कंसीलर है, स्विस ब्यूटी का है, उसके जो लिक्विड कंसीलर है काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन ये उनके मुकाबले में थोड़ा सा ड्राई है, इसलिए मुझे वेट एंड वाइल्ड का ये जो कंसीलर है वो पसंद नहीं आया। इसके अलावा फ्रेंड्स, मैंने
एक और कंसीलर ट्राई किया था जो था इनसाइड कॉस्मेटिक का ये कंसीलर, एंड ये मुझे क्यों नहीं पसंद आया, वैसे तो इसका शेड काफ़ी अच्छा है, इसकी पिगमेंटेशन अच्छी है, ये काफ़ी इजीली ये ब्लेंड हो जाता है और ये लिक्विड भी है, लेकिन फ्रेंड्स इसका रीज़न देखिए मुझे क्यों नहीं पसंद आया। मैंने ना इसे यूज़ करने के लिए जब निकाला ना, कल परसों की बात है, तो ये देखिए फ्रेंड्स इसका जो आगे का ब्रश था वो इसके अंदर ही रह गया है। तो अब मैं इसका क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इसके अंदर अभी इतना कंसीलर बचा हुआ है ना, मैं इसे यूज़ कर सकती थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो प्रोडक्ट है आप देख सकते हैं अपने आप ही ये टूट के अंदर ही गिर गया है और इसका कोई यूज़ अब मैं कर नहीं सकती। अब यही होगा कि अगर मेरे पास कोई प्लेट होगी या पैलेट होगा तो मैं उसके ऊपर इस तरह से कंसीलर को गिरा के अगर इसमें से बाहर आएगा तो मैं इसे यूज़ कर पाऊँगी, अदरवाइज़ नहीं कर पाऊँगी। सो ये भी मुझे प्रोडक्ट इसलिए पसंद नहीं आया। नेक्स्ट फ्रेंड्स, मैंने ब्लू हेवन का कंसीलर ट्राई किया था और इनके जो शेड्स हैं ना, मेरी तो समझ में नहीं आते बिल्कुल भी। ब्लू हेवन के जो कंसीलर के शेड हैं वो कुछ डिफरेंट ही शेड है और मुझे ये जो कंसीलर है बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैंने इसकी जो फाउंडेशन थी वो भी ट्राई की थी, उसका फाउंडेशन का शेड भी मुझे समझ नहीं आया, बिकॉज इनके शेड के नेम कुछ और हैं और इनके शेड के जो कलर हैं वो कुछ और हैं। सो फ्रेंड्स, मैं यही कहूँगी कि ये जो ब्लू हेवन के कंसीलर के शेड्स हैं वो आप किसी शॉप पे जाके ट्राई करके या कोई अच्छी सी वीडियो देखकर ही उसके बाद ही इसे परचेज करें। नेक्स्ट फ्रेंड्स, मैंने एक लिप बाम बाय की थी फेसिस कैंडा की, और ये है वो लिप बाम वाटरमेलन शेड है। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको इसका हाल बताती हूँ, मीन्स कि ये लिप्स को मेरे क्या ये ड्राइनेस को कवर करेगी, ये तो खुद से ही ड्राई हुई पड़ी है, सारी की सारी ये ड्राई हो चुकी है और अब मैं इसे यूज़ भी नहीं करती। आप देख सकते हैं पूरी की पूरी एज इट इज़ पड़ी हुई है। वैसे तो यहाँ पे देखिए कुछ भी यहाँ पे इसका आपको बिल्कुल भी हाइड्रेशन नहीं दिखाई दे रही होगी, सिर्फ इसका कलर ही है और कुछ नहीं है। सो मुझे ये जो फेसिस कैंडा का लिप बाम है बिल्कुल पसंद नहीं आया। इससे अच्छा तो मुझे लैक्मे का जो एप्रिकॉट बाम है काफ़ी पसंद आया है, वो मेरा फिनिश भी होने वाला है, मैं इतना यूज़ कर रही हूँ ना उसको, मुझे लगता है कि ये 10 डेज में फिनिश हो जाएगा, फिर मैं एक न्यू लिप बाम बाय करूंगी। नेक्स्ट फ्रेंड्स, मैंने ब्लू हेवन का ये एक और प्रोडक्ट ट्राई किया था, इसका सिल्क एंड स्ट्रेन लिप टिंट। फ्रेंड्स, ये जो प्रोडक्ट था ना, इसके ऊपर मेंशन था कि आप इसे चीक्स पे यूज़ कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसे बाय किया था लिप एंड चीक टिंट की तरह। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो प्रोडक्ट है ना, ये आप सिर्फ लिप्स पे ही यूज़ करें, अगर आप चीक्स पे यूज़ करते हैं ना तो ये आपके चीक्स पे स्पॉट छोड़ देता है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप लिप एंड चीक टिंट कर रहे हैं वहाँ पे मेंशन, तो उसे लिप एंड चीक टिंट की तरह ही यूज़ करें। अगर यहाँ पे लिप टिंट है तो इसे लिप टिंट की तरह ही यूज़ करें। तो फ्रेंड्स, लगता है कि लिखने में गलती हुई है या फिर कि लिप एंड चीक टिंट वहाँ पे लिखा हुआ था। सो फ्रेंड्स, इसलिए मैंने इसे बाय किया था, लेकिन ये ओनली लिप टिंट ही है तो मैं इसे लिप्स पे ही यूज़ करूँगी। लेकिन लिप्स पे यूज़ करने के बाद मेरे लिप्स को कहीं ना कहीं ये ड्राई बना देता है, पिगमेंटेशन इसकी काफ़ी अच्छी है, नेचुरल फिनिश देता है, लेकिन लिप्स को ये ड्राई कर देता है। सो फ्रेंड्स, इसलिए ये प्रोडक्ट जो है मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया। नेक्स्ट फ्रेंड्स, मैंने कलर बार का एक आईलाइनर बाय किया था, काजल है स्मोकी काजल और इसका नेम है जस्ट मसाला, ये है वो काजल। और फ्रेंड्स, ये एक तरफ आपको यहाँ पे ब्रश मिल जाता है, एक तरफ आपको यहाँ पे कलर मिल जाता है, लेकिन इस कलर की जो पिगमेंटेशन है वो तो अच्छी है, लेकिन ये आपकी आईज़ पे बिल्कुल कलर नहीं लेके आएगा, बिल्कुल भी ड्रॉ नहीं होगा। अभी तो ये बिल्कुल ही ड्राई हो चुका है, आप देख सकते हैं इसकी पिगमेंटेशन है, लेकिन ये ड्राई हो चुका है। सो फ्रेंड्स, ऐसा प्रोडक्ट मैंने आपको पहले भी बोला है, आई प्रोडक्ट जो होते हैं ना वो जल्दी से जल्दी ड्राई हो जाते हैं। सो कोशिश करें आई प्रोडक्ट्स उतने ही बाय करें जितने की आपको ज़रूरत हो। तो फ्रेंड्स, ये प्रोडक्ट जो मुझे पसंद नहीं आया, कलर बार का ये आईलाइनर। इसके अलावा फ्रेंड्स, मैंने शुगर कॉस्मेटिक का एक आईब्रो डिफाइनर बाय किया था और इसमें जो शेड मैंने बाय किया था फेलिक्स ऑनिक्स, और ये मुझे कहीं ना कहीं कॉस्टली लगता है। इसके अलावा मैंने ट्यूड हाउस की जो आईब्रो पेंसिल है वो बाय की हुई है, उसे मैंने ट्राई किया है, वो मुझे अफोर्डेबल लगती है, अच्छी लगती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, मैं और भी आईब्रो पेंसिल्स ट्राई करूंगी, लेकिन ये जो शुगर का अराइवल ब्रो डिफाइनर है ये मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया। और ये देखिए फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं जब आपका कोई प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरह से थोड़ी देर बाद ही चेंज होना शुरू हो जाता है ना, तो मुझे ये पसंद नहीं आता। आप देखिए, अगर ये प्रोडक्ट ऐसा नहीं था और अब इसको निकालने में मुझे इतनी परेशानी होती है ना, फिर मैं इसे यूज़ करना ही बंद कर देती हूँ, इसलिए मैं अब इसे यूज़ भी नहीं करती। कहाँ मैं पहले इसके साथ अपनी मेहनत करूँगी, इसे निकालूंगी। तो प्रोडक्ट का मज़ा तो तभी आता है ना जब आप मेकअप कर रहे हो, फटाफट से प्रोडक्ट आपका ओपन हो और आप उसे यूज़ करें। और यहाँ पे ये भाई साहब देखिए फ्रेंड्स,
ये कहीं का कहीं चला गया है, सो इसे मैं यूज़ नहीं करती। सो ये शुगर कॉस्मेटिक का प्रोडक्ट मुझे पसंद नहीं आया। इसके अलावा शुगर कॉस्मेटिक का एक और प्रोडक्ट है जो मुझे पसंद नहीं आया, वो है इसकी एयर किस पाउडर लिपस्टिक। न्यू लॉन्च था, सभी बड़े एक्साइटेड थे इसे ट्राई करने के लिए, सो मैं भी एक्साइटेड थी, मैंने इसे ट्राई किया, फुल प्राइस पे इसे मैंने बाय किया और अभी तक आप देखिए फ्रेंड्स ये यहाँ तक इतनी मेरी पड़ी हुई है। और इसकी मुझे एक कमी ये लगी कि एक तो ये पाउडरी है, पाउडरी यानी कि लिप्स पे तो एक फॉर्मूला था, डिफरेंट फार्मूला इन्होंने निकाला था कि लिप्स पे पाउडर अप्लाई करेंगे तो लिपस्टिक बन जाएगी। चलिए पाउडर अप्लाई किया, लिपस्टिक बन गई, लेकिन कहीं ना कहीं जब आप कुछ खाते पीते हैं तो ये पाउडर आपके बॉडी के अंदर जाता ही जाता है, चाहे थोड़ा सा जाए लेकिन जाता है। तो इसी तरह से फ्रेंड्स मैंने कल परसों आपके साथ एक शॉर्ट जो वीडियो थी वो शेयर की थी, जिसमें मैंने आपके साथ शेयर किया था कि आप आई शेडो को अपने लिप्स पे एज आई शेडो अप्लाई कर सकते हैं, आई शेडो नहीं एज लिपस्टिक अप्लाई कर सकते हैं, आप आई शेडो को एज लिपस्टिक अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स ये जस्ट एक हैक है, अगर आप इसे अप्लाई करके कुछ खाते पीते हैं तो आपका जो आई शेडो है ना वो आपके खाने पीने के साथ आपकी बॉडी के अंदर जाएगा, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसलिए फ्रेंड्स ये मैं कहना चाहती थी इस वीडियो में कि वो जो हैक था वो जस्ट एक हैक है, जस्ट ट्राई करने के लिए। अगर आपके पास मान लीजिए कोई ऐसा लिप शेड नहीं है तो आप उसे ट्राई कर सकते हैं, और ये ना हो कि आप लिपस्टिक्स को बाय करना बंद कर दें और आई शेडो के साथ ही लिपस्टिक्स अप्लाई करना शुरू कर दें, तो कहीं ना कहीं हार्मफुल है कि आप एक आई शेडो को अपने लिप्स पे अप्लाई कर रहे हैं उसके बाद आप कुछ खा पी रहे हैं तो वो आपके बॉडी के अंदर जा रहा है। सो फ्रेंड्स ये मैं कहूँगी कि इसे हैक की तरह ही लें, इसी तरह से ये फ्रेंड्स जो लिपस्टिक है ना ये भी आपकी बॉडी के अंदर जाती है, पाउडर है बॉडी के अंदर जाता है जो, और थोड़ा सा इसका टेस्ट भी आपको फील होता है, तो इसलिए मुझे ये जो लिपस्टिक है बिल्कुल पसंद नहीं है। कलर इसका काफ़ी अच्छा था, नो डाउट कि मुझे जो शेड्स है ना वो काफ़ी पसंद आया इसका, जैसे कि मैंने आपके साथ लैक्मे की एक लिपस्टिक शेयर की है जिसका शेड मुझे काफ़ी पसंद आया, लेकिन उसका जो फॉर्मूला है वो अच्छा नहीं है। तो शेड तो पसंद है लेकिन जब फॉर्मूला ही अच्छा नहीं है जो आपके लिप्स को ड्राई कर देता है तो उस लिपस्टिक का कोई फ़ायदा नहीं है। सो फ्रेंड्स ये सारे जो प्रोडक्ट थे ना ये मेरे मेकअप प्रोडक्ट्स थे जो कि मैंने ट्राई किए थे, फिर मुझे पसंद नहीं आए और अब ये एज इट इज़ पड़े हुए हैं। तो चलिए ये तो हो गए मेकअप प्रोडक्ट्स, अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे स्किन के प्रोडक्ट्स की जो मुझे काफ़ी पसंद आए हैं, तो वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं हेयर केयर के बारे में। तो फ्रेंड्स हेयर केयर में आपको पता ही है कि मैं शैम्पूस बड़े कम ट्राई करती हूँ, लेकिन इस बार मैंने पिलग्रिम का एक शैम्पू ट्राई किया जो कि इनका न्यू लॉन्च प्रोडक्ट था, और फ्रेंड्स ये है वो शैम्पू, इसका नेम है पिलग्रिम अमेजोनियन ब्यूटी सीक्रेट्स पतुआ एंड कैराटिन स्ट्रेंथनिंग शैम्पू। फ्रेंड्स ये शैम्पू मैंने अपने जो बालों में अप्लाई किया तो मेरे बालों की जो फ्रिजीनेस थी ड्राईनेस थी वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हुई है। इसकी रिव्यू वीडियो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, एंड फ्रेंड्स इस शैम्पू को आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आपके बालों में ड्राईनेस रहती है फ्रिजी रहते हैं तो ये जो शैम्पू है आपके बालों को काफ़ी स्मूथ बनाएगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट जो कि मुझे ट्राई करना था, मैंने ट्राई किया और मुझे काफ़ी पसंद आया है। नेक्स्ट फ्रेंड्स मैंने पिलग्रिम का ही एक सीरम ट्राई किया था जो कि है पिलग्रिम रेड वाइन फेस सीरम। फ्रेंड्स ये जो सीरम है ये काफ़ी अच्छा सीरम है, इसके अंदर आपको पेप्टाइड्स एंड हाइलुरोनिक एसिड मिलता है, यानी कि ऑल स्किन टाइप्स के लिए वर्क करेगा, फ्रेग्रेंस फ्री है। अगर आपकी स्किन ड्राई रहती है डल रहती है तो ये जो सीरम है ये काफ़ी अच्छा है, आप इसे डे नाइट अप्लाई कर सकते हैं और इसका इफेक्ट आपकी स्किन पे आपको विजिबल होगा। सो फ्रेंड्स ये प्रोडक्ट भी मुझे काफ़ी पसंद आया है, ये प्रोडक्ट मैंने काफ़ी फिनिश कर दिया। फ्रेंड्स मैं आपको दिखाना चाहूँगी ये यहाँ तक रह गया है, थोड़ा सा इतना सा रह गया है, और जैसे ये बॉटल फिनिश होगी मैं इसकी नेक्स्ट बॉटल भी जरूर बाय करूंगी। नेक्स्ट फ्रेंड्स मैंने बाय किया था एक और सीरम जो कि है लैक्मे एब्सोल्यूट का परफेक्ट रेडियंस सीरम विद 98% प्योर नायासिनामाइड। फ्रेंड्स ये वो सीरम है, एंड मैं आपको ना अभी इसकी बॉटल दिखाती हूँ। इसकी बॉटल फ्रेंड्स आप देख सकते हैं बिल्कुल फिनिश कर दी है मैंने, और मुझे ये जो सीरम है काफ़ी पसंद आया है। अगर आप विंटर में कोई ऐसा सीरम देख रहे हैं जो कि आपकी स्किन को हाइड्रेट करे तो ये है वो सीरम। फ्रेंड्स आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मैंने इसकी स्मॉल पैकेजिंग ही ट्राई की थी 299 रुपीस वाली, इसकी बड़ी पैकेजिंग भी आती है उस पर आपको 30% ऑफ मिल जाती है, और आपको इसे अप्लाई करने के बाद अपनी स्किन पर SPF ज़रूर अप्लाई करना है, वो मैंने आपको इसकी रिव्यू वीडियो में भी बताया हुआ है, आप इसकी रिव्यू वीडियो मेरे चैनल पर जाके ज़रूर देख लीजिएगा। इसके बाद फ्रेंड्स मैंने ट्राई किया था एक और प्रोडक्ट जो कि है फेसिस कैंडा की ये पिंक एलोवेरा जेल।
ये भी जो जेल है काफी अच्छी है, स्किन में काफी इजी एब्जॉर्ब हो जाती है, स्किन को काफी स्मूथ बना देती है। आप इसे डे नाइट दोनों टाइम पे यूज कर सकते हैं, मैं इसे दोनों टाइम यूज कर रही हूँ। और फ्रेंड्स ये जो जेल है ये हल्की सी लाइट पिंक कलर में है, और अगर आप कोई ऐसी एलोवेरा जेल ढूंढ रहे हैं जो कि अफोर्डेबल के साथ साथ अच्छी भी हो तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। और फ्रेंड्स ये जो प्रोडक्ट है ये 225 रुपीज का है, लेकिन अब आपको इजिली इस पे ऑफ मिल जाएगी। जब इसका न्यू लॉन्च आया था तो मुझे इतने का ही रिसीव हुआ था, 10% ऑफ मैंने मार्केट से इसे बाय किया था, लेकिन अब आपको इस पे ऑनलाइन ऑफ मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स ये थे वो सारे प्रोडक्ट जो कि मैंने बाय किए थे, ट्राई किया, मुझे स्किन केयर में अच्छे लगे। सो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की वीडियो आपके लिए, आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। सो मिलते हैं हम हमारी नई वीडियो के साथ।